आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड सीआरपीसी, उसके अलावा एविडेंस एक्ट, तो ये सारे जो हमारे मेजर लॉज हैं, ये होने वाले हैं चेंज। इनमें बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है, जिसमें कि कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि हटाए जाने हैं, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो कि बढ़ाई जानी है, और आईपीसी में जो हमारे सेक्शंस थे वो भी कम हो जाने हैं, सीआरपीसी में बढ़ जाने हैं, एविडेंस में बढ़ जाने हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम इसके नाम की बात करें, जैसे अभी तक हम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस कहते थे, तो अब ये हमारा सारा का सारा चेंज होने वाला है। और इसमें चेंज क्या हो रहा है, आईपीसी के नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये अब हो जाएगा हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023, और सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और एविडेंस भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो जहां इसके नाम ही चेंज हो रहे हैं, तो केवल अगर हम ये सोच रहे हैं कि केवल इसके नाम में परिवर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ही गलत हैं। अगर आप एक लॉ के विद्यार्थी हैं, या आप एक प्रैक्टिशनर हैं, या आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ने वाली है। थोड़ी सी क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक जो हमने पूरे रटे रटाए हमारे सेक्शन से, हमने रट के रखा हुआ था कि 323, 504, 506, 498 ए, सारी चीजें जो हैं, जो कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि हाँ, ये सारे सेक्शन हमने रटे हुए थे कि अगर ऐसा होता है, ग्रीवस हर्ट हो रहा है, तो हमें कौन सा सेक्शन लगाना है, अगर कोई विमेन है जो कि मैरिड है, उसके साथ अगर क्रुएल्टी हो रही है, तो हमें कौन सा सेक्शन लगाना है। ये सारी चीजें हमने अभी तक हमें बिल्कुल ही क्लियर रहती थी, लेकिन अब हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होने वाली है क्योंकि इन सारी चीजों में फेरबदल हो रहा है। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो इसमें पहले 511 सेक्शंस थे, और अब इसमें जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 356, 356 सेक्शंस हो रहे हैं, मतलब कि घटा दिए गए सेक्शन। अगर हम ओल्ड सीआरपीसी की बात करें तो उसमें 484 सेक्शंस थे, और अगर हम न्यू सीआरपीसी की बात करते हैं तो न्यू में 533 सेक्शंस हो रहे हैं। तो इसमें भी हमारे जो सेक्शंस हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, जहां आईपीसी में एक तरफ घटाए जा रहे हैं, सीआरपीसी में बढ़ाए जा रहे हैं। एविडेंस की अगर हम बात करें, अगर हम ओल्ड एविडेंस की बात करते हैं तो 167 सेक्शंस थे, और न्यू एविडेंस में हमारे 3 सेक्शन और बढ़ा करके 170 सेक्शन कर दिए गए हैं। अब केवल ये सेक्शन बढ़ाए और घटाए ही नहीं गए हैं, अब देखिए जैसे कि आईपीसी में हमारे 511 से 356 कर दिए गए, तो यहाँ पर कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनको हटा दिया गया है, कुछ ऐसी धाराएं जिनको बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ एक चीज और हम आपको क्लियर कर दें कि केवल ये बढ़ाना और घटाना ही नहीं है, अभी तक जो चीजें हम जिस सेक्शन में पढ़ते आ रहे थे वो सारी चीजें बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। अगर हम 498A की बात करते हैं, जहां अभी तक हम बोलते थे कि 498A जो है वो कानूनी आतंकवाद है, तो अब कानूनी आतंकवाद कौन सी धारा हो गई है, वो हो गई है 84, मतलब जो सेक्शन 84 है वो कानूनी आतंकवाद हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि 498A को कहां कर दिया गया है, तो सेक्शन 84 में 498A को कर दिया गया है। और इसमें भी बात वही क्रुएल्टी की ही की जा रही है, और क्रुएल्टी भी कैसी कि पति या पति के रिश्तेदारों की। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि अगर इसमें कोई चेंज होगा तो शायद मेन और विमेन दोनों को ही एंटर किया जाएगा, दोनों को ही इसमें साथ में लिया जाएगा, और का शब्द जरूर रहेगा, और वर्ड का यूज रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे गलत थे। और क्या किया है कि चीजें तो वही है, सेम है। 498A में जो पनिशमेंट थी 3 ईयर तक की, अप टू 3 ईयर प्लस और फाइन करके, वही अभी भी है। और अभी भी ये जो सेक्शन है वो हमारा विमेन के लिए ही है, इसमें कहीं भी मेन को कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई है, उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि अगर मेन के साथ क्रुएल्टी हो रही है तो उसको इनमें इंक्लूड कर दिया गया है, आईपीसी ने उसमें उनको कहीं भी इंक्लूड नहीं किया, अभी भी वो विमेन के लिए ही बात कर रहा है। लेकिन क्या किया है कि केवल 498A जो था, जो अभी तक हम 498A की बात करते थे, तो अब जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद से हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे 84 की। मतलब क्या कि सेक्शन चेंज कर दिए गए, उठा करके ऊपर से सीधे नीचे ले आया गया है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होनी है, ये सारी चीजें हमारी चेंज हो जा रही हैं, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें पनिशमेंट वगैरह चेंज हो जा रहा है, वो सारी चीजें भी हम आपको अच्छे से स्टडी करके, हम अगर आप कहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको जल्द ही उस पर वीडियो ला करके देंगे। लेकिन अभी अब तक आप केवल इतना जानिए, अभी आपके लिए ये जरूरी है कि सारी चीजों में चेंज किया जा रहा है, आईपीसी में सेक्शन चेंज हो गए हैं और सेक्शन घटा दिए गए हैं, सीआरपीसी में सेक्शन को बढ़ा दिया गया, एविडेंस में सेक्शन को बढ़ा दिया गया है। तो इन सारी चीजों को हमें दोबारा से स्टडी करना पड़ेगा, हमें दोबारा से उन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो भी आपको पढ़ना होगा, आप जुडिशियरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको पढ़ना होगा। सबसे बड़ी बात, जो बच्चे जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और माइनस पॉइंट किया जाएगा
कि उन्होंने जो अभी तक उनके पास सॉल्व पेपर वगैरह थे, जो एमसीक्यूज वो सॉल्व करते आ रहे थे, अब वो सारे उनके बर्बाद हो जाएंगे। अब उनका उसमें कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि जब सेक्शन ही चेंज हो गया, जब सारी चीजों का सेक्शन ही चेंज हो गया, अभी तक हम पढ़ते जो आ रहे थे वो सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है उन सबका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से जब ये लागू हो जाएगा, दोबारा से हमें सारी नई बुक्स लेनी होंगी एमसीक्यूज के लिए। हमें अब वेट करना होगा, क्योंकि तुरंत में तो सारे, या तो अगर हम लेंगे तो हमें उसमें सारे सेक्शंस को चेंज करना होगा, जो चीजें जहां है हमें वो चीजें वहां पर देखनी होंगी। और दूसरी चीजें हैं कि पनिशमेंट, अगर कहीं भी पनिशमेंट चेंज हुई है तो आपको फिर से उन चीजों को याद करना होगा कि हाँ इसमें कितनी पनिशमेंट है, इसमें कितनी पनिशमेंट है। और ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो जुडिशियरी जो भी तैयारी कर रहे हैं जुडिशियरी की, उन्हें हो सकता है कि दोनों को कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, अब चीजों के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि अगर चीज बदल रही है तो आपको भी बदलना होगा। और ऐसे लोग जिनके ऊपर जो केसेस वगैरह हैं या जो चलने वाले हैं, तो आगे आने वाले समय में उन्हें भी, अभी तक हम जो सेक्शंस बताते रहते थे, अगर ये लागू हो जाएगा तो हम उन्हें भी अलग चीजें बताएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं रहेगी, तो कहेंगे मैम और इसमें तो 498A लगता है, तो आप तो 84 क्यों बता रही हैं। तो आपको ये बता दें कि जब चीजें चेंज होंगी, सेक्शन चेंज होंगे, तो हर जगह हर चीज चेंज हो जाएगी, चाहे हमारे प्रैक्टिस की बात हो, चाहे हमारे केसेस की बात हो, चाहे हमारे स्टूडेंट लाइफ की बात हो, तो हर चीजें चेंज हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ये जानकारी इसलिए दी है कि आपको पता रहना चाहिए कि क्या चेंज होने वाला है और क्या क्या चीजें आपको आगे चल के फेस करनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए, आपको कुछ सेक्शंस के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या हो रहा है, तो आप जरूर बताइएगा, उस पर हम आपको वीडियो बना करके देंगे। और लेकिन आपके अगर कमेंट आएंगे, और कुछ ज़्यादा लोगों के अगर कमेंट आएंगे, तो ही इस पर वीडियो बना करके देंगे। अगर एक से दो लोगों के कमेंट इस पर आते हैं कि हमें चाहिए इस पर डिटेल वीडियो चाहिए, तो उस पर वीडियो नहीं बनाया जाएगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, तो हम जरूर आपको वीडियो बना करके देंगे इससे रिलेटेड। और वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुँचाइए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, क्या आपको आगे चल के आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।